हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैपेसिटी प्लानिंग एटॉल टूल से हम कैसे करें। एटॉल टूल में सिमुलेशन यहाँ दिख रहा है, इसके थ्रू जो है हम कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि सिमुलेशन का मीनिंग हुआ कि हम जो लाइव नेटवर्क है उसकी एक कॉपी बना रहे हैं, एक कॉपी जस्ट लाइक सेम आउटपुट जो है हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक लाइव नेटवर्क की हम एक सॉफ्टवेयर में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं सेम पैरामीटर डाल के, तो जिससे हमें एक अप्रॉक्स आइडिया लग रहा है कि जो हम नेटवर्क प्लान करने जा रहे हैं तो उसमें कितना मेरा थ्रूपुट डिमांड होगा। थ्रूपुट डिमांड क्या होगा, या ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ यूजर्स पे। मींस जो सिमुलेशन है, कैपेसिटी प्लानिंग है, ये नंबर ऑफ यूजर्स पर डिपेंड कर रहा है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला, ट्रैफिक मैप अगर आप पास अवेलेबल है तो ट्रैफिक मैप आप इसमें इंपोर्ट करेंगे, नहीं अवेलेबल है तो ट्रैफिक मैप आप क्रिएट करेंगे। दूसरा, आप जो है अगर आपके पास सब्सक्राइबर लिस्ट अवेलेबल है तो आप सब्सक्राइबर लिस्ट के थ्रू भी जो है सिमुलेशन कर सकते हैं। तो अभी हम पहले जानेंगे ट्रैफिक मैप के थ्रू, लेकिन सिमुलेशन करने से पहले हमको पहले व्यू में पैरामीटर एक्सप्लोरर जो पैरामीटर हैं वो हमको ट्यून करने होंगे। पैरामीटर ट्यून क्या क्या रहेंगे देख रहे हैं यहाँ पर। ट्रैफिक पैरामीटर में सर्विसेज है, इसमें हाई स्पीड इंटरनेट, ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है जो नेटवर्क प्रोवाइड करेगा यूजर्स को। हाई स्पीड इंटरनेट में देख रहे हैं, पहले में हम चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी चेंज करेंगे तो चलेगा। इसमें चेंज कर देंगे एवरेज रिक्वेस्टेड थ्रूपुट कितना है अपलिंक में और डाउनलिंक में, इसको चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, QCI बता रहा है, प्रायोरिटी किसको देंगे, हाईएस्ट बेरर कौन सा असाइन होगा अपलिंक डाउनलिंक में, मिनिमम मैक्सिमम और लोवेस्ट कितना असाइन होगा बेरर जो है, मैक्सिमम थ्रूपुट डिमांड कितना रहेगा अपलिंक में। हम यहाँ पे पहले से डिफॉल्ट कर रखे हैं 1000 KBPS और डाउनलिंक के लिए 4000 KBPS। मिनिमम थ्रूपुट डिमांड कितना रहेगा अपलिंक और डाउनलिंक में। मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ब्लॉक मतलब रिसोर्स ब्लॉक हम कितने अलॉट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम LTE के लिए सिमुलेशन कर रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ब्लॉक रिसोर्स ब्लॉक जो है वो 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि हम यूजर को कितने मैक्सिमम थ्रूपुट अलॉट कर रहे हैं, कितना उसको सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद हम फिर ओके कर देंगे। सेम मोबाइल इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज के लिए हम सारा पैरामीटर सेट करेंगे, फिर ओके कर देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज के लिए सेट करेंगे, ओके कर देंगे। VOIP सर्विसेज के लिए हम सेट करेंगे कितना चाहिए मैक्सिमम थ्रूपुट डिमांड और मिनिमम थ्रूपुट डिमांड, मिनिमम जो है फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कितना अलॉट करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक, सर्विसेज के बाद फिर हमारा आता है मोबाइल टर्मिनल, मोबाइलिटी टाइप। मोबाइलिटी देख रहे हैं कि 4 तरह के ऑप्शन हैं, इसमें हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 50 km/h है, 90 km/h है, फिक्स्ड है, पेडेस्ट्रियन है। उसके बाद टर्मिनल की बात आती है। टर्मिनल 2 तरह के होंगे, एक तो मीमो जो सपोर्ट करते होंगे, एक नॉर्मल मोबाइल टर्मिनल होंगे। तीसरा आपके पास आता है यूजर प्रोफाइल। 2 तरह के मेरे पास हम यूजर एज्यूम कर रहे हैं, एक बिजनेस यूजर, एक स्टैंडर्ड यूजर। अब ये चीज़ें हम सेट करेंगे। इसमें बिजनेस यूजर जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम क्लिक करेंगे देख रहे हैं 4 तरह की सर्विसेज यूज कर रहा है, हाई स्पीड इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, VOIP, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस। अब इसमें हम इसका पैरामीटर ट्यून करेंगे कि कॉल्स पर आवर क्या होंगे चारों तरह सर्विसेज जो है, और ड्यूरेशन क्या होगा। ड्यूरेशन हम जो है VOIP और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कॉल के लिए यूज करेंगे कि कितना ड्यूरेशन, नंबर ऑफ कॉल्स कितना हो रहा है पर आवर और उसके बाद उसका ड्यूरेशन क्या हो रहा है। हम इंटरनेट का जो है ड्यूरेशन नहीं सेट करेंगे, ड्यूरेशन डालेंगे तो लेगा भी नहीं, क्योंकि उसका सेशन होता है, मतलब वो पर सेशन एवरेज कितना आपका पेलोड जो है वो पेलोड दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं अपलिंक के लिए कितना पेलोड हो रहा है और डाउनलिंक के लिए कितना पेलोड हो रहा है, ये अपने हिसाब से हम पर सेशन एवरेज ले लेंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड यूजर है, इसमें 2 तरह की सर्विसेज है, इसमें भी आप जो है कॉल्स पर आवर, ड्यूरेशन और जो आपका पेलोड है टोटल वो सेट कर देंगे। यूजर प्रोफाइल के बाद फिर जो है हम इन्वायरमेंट पर जाएंगे। इन्वायरमेंट में देख रहे हैं इन्वायरमेंट क्या बता रहा है, ये यूजर डेंसिटी बता रहा है, यूजर पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे डेंस अर्बन में हम देख रहे हैं कि 800 यूज सब्सक्राइबर है पर स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह हम देख रहे हैं रूरल में आपके 20 यूजर्स पर स्क्वायर किलोमीटर हैं।
तो चार तरह का मेरा इन्वायरमेंट हो गया, मतलब चार तरह के क्लटर हो गया। ये पैरामीटर हमको सिमुलेशन, चाहे हम सब्सक्राइबर के थ्रू कर रहे हों या फिर हम ट्रैफिक मैप के थ्रू कर रहे हों, इसको हमको ट्यून करना ही होगा। इसको क्लोज कर दिया। अब हम चूँकि ट्रैफिक मैप से करने जा रहे हैं, तो ट्रैफिक मैप पहले हमको ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने के लिए पहले हम जियो एक्सप्लोर पर जा रहे हैं। जियो एक्सप्लोर पर यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैफिक मैप दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू मैप, न्यू मैप हमको यहाँ पर दिखा रहा है। इसमें तीन ऑप्शन हैं, तो अभी हम देख रहे हैं यूजर प्रोफाइल ट्रैफिक मैप के हिसाब से। इसको हम, अगर मेरे पास ऑलरेडी मैप है तो हम इसको इम्पोर्ट कर देंगे यहाँ इम्पोर्ट ऑप्शन से, नहीं है तो हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आएगी। यहाँ पर हम इन्वायरमेंट जो हम ट्यून कर रखे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। हम मान लेते हैं अर्बन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं हेक्सागोनल जो है एक बाउंड्री जो है हम ड्रॉ करेंगे, किसके लिए हम जो है ट्रैफिक मैप क्रिएट कर रहे हैं। ये मेरा ट्रैफिक मैप क्रिएट हो गया। अब जोन जियो एक्सप्लोर का काम खत्म हो गया। अब हम जाएंगे सिमुलेशन पे, सिमुलेशन पे न्यू करेंगे। न्यू पे देख रहे हैं हम बैकवर्ड कैपेसिटी को कंसिडर करेंगे, यूएल नॉइज कंट्रोल को भी जो है हम कंट्रोल करते हैं, तो इसको भी हम क्लिक कर लेंगे। और ट्रैफिक, ट्रैफिक पे जाएंगे, ग्लोबल स्केलिंग फैक्टर दिखा रहा है, ये नॉर्मली वन रहेगा। अगर हम इसको टू कर देंगे तो जो यूजर डेंसिटी मेरी अर्बन में है वो मेरी जस्ट डबल हो जाएगी, जितनी भी दिखा रही है 400 यूजर्स पर स्क्वायर किलोमीटर है तो वो 800 हो जाएगी। हमको वहाँ पर जाके चेंज नहीं करना है, तो ग्लोबल स्केलिंग फैक्टर से हम यूजर की डेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ सब्सक्राइबर लिस्ट दिखा रहा है, अगर मेरे पास सब्सक्राइबर की लिस्ट है तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे। अभी इसमें है नहीं तो ये अनक्लिक दिखा रहा है। एडवांस पे जाएंगे, इसमें दिखा रहा है कि डीएल ट्रैफिक लोड मैक्सिमम कितना रहेगा, कितना हम कंसीडर कर रहे हैं, 100 भी कर सकते हैं, अपलिंक में 90% कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा वैसा कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे और फिर आप इसको कैलकुलेट ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे ये कैलकुलेशन शुरू हो जा रहा है, अभी ये कैलकुलेट कर रहा है। अब देख रहे हैं ये मेरा सिमुलेशन कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम देख रहे होंगे आपको रेड दिखा रहा है क्योंकि वो जो नॉट कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पे कवरेज नहीं है। पहले से मेरी काफ़ी कम ट्रांसमीटर प्लान थे, सेल्फ प्लान थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइटें केवल प्लान थी, तो कंप्लीट एरिया हम चूँकि कवर नहीं कर रहे थे, एरिया मेरा काफ़ी बड़ा है। अब सिमुलेशन में हम जाके रिजल्ट में देख सकते हैं, रिजल्ट यहाँ देख रहे हैं ग्रुप जीरो सिमुलेशन, ये मेरा रिजल्ट दिखा रहा है। क्या कह रहा है कि टोटल जो एरिया है उसमें मेरा 7933 यूजर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं इतना थ्रूपुट, 9279 Mbps। तो अब सिंगल सेल का थ्रूपुट हमको पता है, इस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं कि मेरी टोटल नंबर ऑफ कितनी साइटें रिक्वायर्ड हैं इस पर्टिकुलर जोन में, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि नो सर्विस में मेरी काफ़ी सारे यूजर्स आ जा रहे हैं। और यहाँ पे मोबाइल्स में भी हम देख रहे हैं जो सब्सक्राइबर मेरे आए हैं, ये कंप्लीट लिस्ट दिखा रहा है। इसमें हम देख सकते हैं इसका जो है डिटेल देगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, मीमो टर्मिनल है, प्रेस्ट्रियल है, मैक्रो लेयर है, कौन से क्लटर में किस में है, पाथलास हर यूजर्स का कितना हो रहा है, बीरर किस यूजर को कितना असाइन हो रहा है, डाइवर्सिटी मोड कौन सा है, यहाँ पे थ्रूपुट भी दिख रहा है हमको जो है कि कितना थ्रूपुट पर यूजर जो है हमको असाइन हुआ है, अप्लीकेशन एलोकेटेड बैंडविड्थ थ्रूपुट कितना है, ये अपलिंक में कितना है इफेक्टिव RLC एलोकेटेड बैंडविड्थ थ्रूपुट, सारा डिटेल जो है यूजर का बारे में, कितना उसको रिसीव सिग्नल हो रहा है, कितना पाथ लॉस हो रहा है, सारा डिटेल इसमें आप यूजर वाइज भी देख सकते हैं। और स्टैटिक से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम कितनी नंबर आप साइटें आपको रिक्वायर्ड हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये है मेरा सिमुलेशन। सिमुलेशन हम एक प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं एक तरह से कैपेसिटी का, कि क्या कैपेसिटी मेरी होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ सेल होने चाहिए एज पर डिमांड थ्रूपुट जो मेरे यूजर हैं, जो हम प्रिडिक्ट किए हैं कि कितने यूजर हैं। जैसे हम पिछले LTE का हम सिमुलेशन कर रहे हैं तो 3G से यूजर उठा सकते हैं, अभी पर्टिकुलर कितने यूजर इंक्रीज हुए होंगे हम आइडिया लगा लेंगे इस ईयर में, और हर यूजर को हमको क्या सर्विस देनी है, कितनी सर्विस देनी है, उस हिसाब से हम पैरामीटर एक्सप्लोरर में जाके हम सर्विसेज में सारा चीज़ें ट्यून कर देंगे, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, VoIP कितना रिक्वायरमेंट है, सारा करने के बाद फिर ये मेरा ये कैलकुलेट कर देगा। तो ये था मेरा सिमुलेशन थ्रू ट्रैफिक मैप, जिसमें फर्स्ट पार्ट था
अब आगे पढ़ेंगे सेक्टर ट्रैफिक मैप के थ्रू जो है सिमुलेशन।